सो गाइज, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन में सारे डिटेल्स शो हो रहा है। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सोमोजित एंड वेलकम बैक टू माय अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपके साथ एक डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ ऑफ टाटा पंच, और वो भी है इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट। टाटा पंच में टोटल आपको 4 वेरियंट्स मिल जाता है, प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिस एंड क्रिएटिव। और गाइज, आज मैं आपको इसका एडवेंचर वेरिएंट का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। आपको टाटा पंच में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाता है, और आपको पंच में पेट्रोल पेट्रोल विद सीएनजी टू फ्यूल ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, ठीक है। सो आप टाटा पंच एडवेंचर का आप पूरा लुक वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। टाटा पंच में आपको यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग के साथ टाटा का लोगो मिल जाता है फ्रंट ग्रिल के ऊपर। और गाइस, आप इसका पूरा ग्रिल का लुक देख सकते हो, एकदम आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको इसका फ्रंट ग्रिल मिल जाता है। ऊपर में आपको यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर एंड अ स्मॉल पायलट लैंप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, आप यहाँ पर टॉप मॉडल के फुल LED DRL भी आप यहाँ पर इजीली इंस्टॉल करा सकते हो। फ्रंट बम्पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें आपको 2-टोन फ्रंट बम्पर मिल जाता है। एक है फुल बॉडी कलर और जो लोअर पार्ट है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। फुल हेलोजन हेडलाइट्स आपको यहाँ पर टाटा ने ऑफर किया है, ठीक है, एकदम पूरा क्लियर लेंस रिफ्लेक्टर बेस। फ्रंट में आपको फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलता है। ट्राई एरो डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिया गया है मैट ब्लैक फिनिश में। और गाइज, ये है टाटा पंच का फ्रंट बोनट का लुक। इसमें आपको क्रीज लाइंस मिल जाता है फॉर अ एरोडायनेमिक लुक। टाटा पंच में आपको डुअल वाइपर विथ अ डुअल वॉशर का इसमें आपको पूरा फुल सेटअप दिया गया है, ठीक है। और गाइज, ओवरऑल टाटा पंच एडवेंचर का जो लुक है, ठीक है, फ्रंट से, वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है। इसमें फ्रंट से एकदम पूरा मिनी हैरियर का इसमें आपको पूरा लुक दिया गया है। तो अभी साइड लुक देखते हैं। सो गाइस, ये है पंच एडवेंचर का साइड प्रोफाइल से लुक। टाटा पंच में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाता है। इसमें आपको 2445 mm का व्हील बेस मिल जाता है एंड 187 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है। टाटा पंच एडवेंचर में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें आपको स्टील रिम्स मिल जाता है विथ फुल साइज व्हील कवर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विथ साइड टर्न इंडिकेटर्स। और गाइज, ये जो ORVM है, ठीक है, इनको मैनुअली हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा। साइड फुल बॉडी कलर डोर ओपनिंग हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गाइज ये जो रेयर का जो डोर ओपनिंग हैंडल है, इसका जो प्लेसमेंट है, ये काफ़ी एक बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है, एक काफ़ी यूनिक सा लुक देता है, ठीक है। सो साइड से गाइस, ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। सो ये है कुछ साइड प्रोफाइल का लुक। इसमें आपको 185x70 R15 inch में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है, ठीक है। इनमें आप टॉप मॉडल के 16 inch के अलॉय व्हील्स भी आप इसमें इजीली इंस्टॉल करा सकते हो फ्रॉम द डीलर। सो गाइस, ये है पंच का कुछ साइड प्रोफाइल से लुक, ठीक है। मेरे को पर्सनली पंच का लुक्स वगैरह काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है। तो साइड से आप एकदम पूरा देख सकते हो, ए पिलर आपको पूरा फुल बॉडी कलर में मिलता है, पर बी पिलर एंड सी पिलर आपको रफ ब्लैक फिनिश में मिलता है। सो गाइस, अभी एक बार आप पूरा रियर लुक देख लीजिए टाटा पंच एडवेंचर का। रियर से भी थोड़ा बहुत नेक्सॉन जैसा आपको रियर से लुक मिलता है, ठीक है, पर लुक जो है वो भी रेयर से भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। एक फुल मस्कुलर लुक आपको एकदम पूरा मिल जाता है, ठीक है, रेयर से। तो अभी पहले रेयर टेल लैम्प देख लेते हैं। इसमें आपको रेड लेंस फुल हेलोजन रेयर टेल लैम्प्स मिल जाता है। अगर आप अपर वेरियंट्स लेते हो उसमें आपको फुल LED टेल लैम्प्स दिया गया है। टाटा का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है और ठीक उसके नीचे पंच का आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाता है, ठीक है। रियर में भी आपको डुअल टोन रियर बम्पर मिल जाता है, ठीक है, विथ 2-point रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको दिया गया है, विथ 2 रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, विथ ट्राई एरो डिज़ाइन, ठीक है। रियर से गाइज जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। और गाइज, यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल यूनिट में, ठीक है, रियर
रेयर रिवर्स पार्किंग लाइट। और गाइस रेयर का जो ग्लास है ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्मॉल एक राइनो का डिज़ाइन है ठीक है, वो है इसका। ईस्टर एग्स अ वोकल फॉर अ लोकल का बैजिंग, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट आपको दिया गया है, ऊपर में आपको यहाँ पर एक रूफ एंटीना दिया गया है ठीक है। तो चले गाइस अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 50 लाख कार्स का एक स्मॉल सा बैजिंग दिया गया है। अभी गाइस आप इसका की देख लीजिए, टाटा पंच में आपको कुछ ऐसे एक की मिलता है ठीक है, इसमें आपको फुल रिमोट लॉकिंग मिल जाता है, और जो सेकेंड की है वो एक नॉर्मल सा की है ठीक है विद अ टाटा लोगो। इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलाइट का बटन आपको इसमें पूरा मिल जाता है ठीक है। तो चलिए गाइस अभी इंटीरियर देख लेते हैं। सो गाइस ये है टाटा पंच का ड्राइवर साइड डोर ट्रिम का लुक, इसमें आपको डुअल टोन में मिल जाता है, एक तो है पूरा फुल रफ ब्लैक फिनिश, और जो आर्मरेस्ट है वो आपको थोड़ा डार्क ग्रीन कलर में आपको दिया गया है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको डोर ओपनिंग हैंडल ट्विटर का प्लेसमेंट आपको वहाँ पर मिलता है, ORVM आप वहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हो, ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक फॉर द रियर टू पावर विंडोज़, और आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट एंड ग्रैब हैंडल दिया गया है, स्पीकर का प्लेसमेंट और कुछ सामान वगैरह रखने का स्पेस आपको डोर ट्रिम में आपको वहाँ पर दिया गया है। और गाइस ये है पंच एडवेंचर का डुअल टोन डैशबोर्ड का लुक ठीक है। तो चलिए गाइस अभी पहले टाटा पंच को एक बार ऑन कर लेते हैं ठीक है, फिर उसका एकदम फुल इंटीरियर से मैं आपको एकदम पूरा फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस ये है टाटा पंच का कुछ अंदर से लुक ठीक है, एकदम पूरा सब जो लाइट्स है ठीक है वो अभी एकदम पूरा ब्राइट अप हो चुका है ठीक है। अभी कार के अंदर बैठ जाते हैं। सो गाइस ये है इसका अब मीटर आप देख सकते हो, इसमें आपको IPM मीटर एंड एक स्मॉल MID और ठीक उसके साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्रंट हेडलाइट कंट्रोल्स एंड फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स एंड म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है। और गाइस टाटा पंच में आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है, AC वेंट्स आप देख सकते हो ठीक है, वो आपको एकदम पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का आपको वहाँ पर बटन मिल जाता है, एक स्मॉल सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है ठीक है, इसमें आपको ब्लूटूथ ऑक्स USB FM रेडियो ठीक है इन सब का इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो ठीक है, यहाँ से आप इसको इजीली एडजस्ट कर पाओगे ठीक है, आपको कौन सा मेनू चाहिए ठीक है वो आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर पाओगे, ऑल फोर इंडिकेटर के कंट्रोल्स ठीक है, AC वेंट्स आप देख सकते हो। और गाइस टाटा पंच में आपको ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है, पर इसका AC के कंट्रोल्स का जो लेआउट है वो आपको थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक जैसा दिखता है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, अ मैनुअल हैंड ब्रेक एंड अ 12-volt स्मॉल पावर आउटलेट, ग्लोब बॉक्स आपको यहाँ पर दिया गया है, वही सेम डार्क ग्रीन का आपको एक टेक्स्चर मिल जाता है, रीडिंग लाइट विद अ स्मॉल माइक आपको यहाँ पर दिया गया है, ड्राइवर साइड सनशेड, को ड्राइवर साइड सनशेड विद अ स्मॉल वैनिटी मिरर। और गाइस ये है इसका IRVM ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है ठीक है। और गाइस आपको ठीक है एकदम पूरा फुल यहाँ पर आप देख सकते हो पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है ठीक है। सो ये है गाइस टाटा पंच का कुछ डैशबोर्ड से लुक। अभी मैं आपको इसका सेकेंड रो दिखा देता हूँ, यह है गाइस पंच का सेकेंड रो डोर ट्रिम का लुक ठीक है, ये भी आपको एकदम पूरा मैट ब्लैक में मिल जाता है ठीक है। यहाँ पर आपको रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल, आर्मरेस्ट, स्पीकर का प्लेसमेंट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। और गाइस टाटा पंच का जो ठीक है इसका जो रियर सीट है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है ठीक है। और गाइस ये है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक फ्रॉम द रियर। और गाइस टाटा पंच में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाता है ठीक है, इसमें आपको ट्विटर्स नहीं मिलता है, सिर्फ 4 स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाता है। और गाइस अभी मैं आपको इसका एक बार बूट दिखा देता हूँ, टाटा पंच में आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, और आपको पंच में 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, इसमें आपको कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे भी दिया गया है ठीक है, और बूट स्पेस जो है गाइस वो काफ़ी बढ़िया है, और आप यहाँ से इसको ईजिली क्लोज कर पाओगे। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको इसका एक बार इंजन दिखा देता हूँ ठीक है, इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का इंजन ठीक है, तो उसको अभी एक बार देख लेते हैं ठीक है, एकदम पूरा बोनट को ओपन करके कि अंदर से एकदम लुक्स वगैरह कैसा मिल जाता है ठीक है, इंजन का
ठीक है, इंजन भी एक ऐसा है। सो गाइस ये है टाटा पंच का 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर रेवलोट्रॉन पेट्रोल इंजन। इसमें आपको 87 bhp का पावर मिल जाता है एंड 115 Nm का टॉर्क, और आप इस इंजन से इजीली 20 kmpl का माइलेज निकाल पाओगे। और गाइज आप इस पूरा इंजन बे देख सकते हो, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स ये था टाटा पंच एडवेंचर का फुल डिटेल रिव्यू। अगर आपको टाटा का और कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू चाहिए, ठीक है, आप मेरे को सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल रिव्यू अपलोड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।